नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट संस्था राष्ट्रीय स्तर पर गरीब पिछड़े मजदूरों को खाना, राशन, शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा, बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए और दवाइयां, ब्लड डोनेट जैसे कई बड़े कार्य करी है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट एक ऐसी संस्था है जो इस भयंकर महामारी में लोगों की जमीनी स्तर पर मदद के लिए अपनी कमर कसे खड़ी हुई है। संस्था के ट्रस्टी अमनदीप सिंह वालिया और स्पर्श महेश्वरी ने राष्ट्रीय स्तर पर गरीब पिछड़े मजदूरों को खाना, राशन, शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा, बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए और दवाइयां, ब्लड डोनेट जैसे कई बड़े कार्यों को समाज के मजबूर लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए 2012 में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट नाम की संस्था को स्थापित किया, जिसमें उनकी टीम के सदस्य मानसी जैनी, मनीष गेरा, सुनील, विनोद, राहुल, रोहित, अली और दीपा जैसे अनेक लोग बने जो जमीनी स्तर पर लोगों के घर घर जाकर मदद करते हैं। झुग्गी झोपड़ियों, मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को राशन, बना हुआ खाना, दवाइयां वितरित करते हैं। उनका कहना है कि हम समाज से वंचित बच्चों और लोगों की मदद करते हैं। हम लोग विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों और हमारे समुदाय द्वारा महिलाओं और लड़कियों के सामाजिक एकीकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमारा समूह परस्पर दृष्टि वाले सकारात्मक विचारों का समूह है। हमारी एनजीओ का मुख्य कार्य स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और समाज से वंचित लोगों को उनके अधिकार दिलाना है। हमारे पास समग्र दृष्टिकोण है और हमारा एनजीओ दिखावे के बजाय जमीनी स्तर पर सक्रिय भागीदारी निभा रही है, जिसमें हमारे सभी साथी परस्पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट द्वारा दिल्ली की यमुना खादर की झुग्गी झोपड़ी पर खाना, राशन वितरित का कार्य कर रही है और यह दिल्ली की किसी भी बस्ती में जरूरत होती है तो यह एनजीओ वहां मदद के लिए पहुंच जाते हैं। मेरा नाम मानसी जैन है और ये मेरे साथ है मनीष गेरा। हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट से हैं। हमारे संगठन का एक और नाम से जानते हैं, नेशनल एनजीओ। देखिए, ये वितरण करते हुए तो हमें पिछले लॉकडाउन में भी हमने किया और इस लॉकडाउन में भी कर रहे हैं। ये जो संगठन है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिस्टर अमनदीप सिंह वालिया और मिस्टर स्पर्श महेश्वरी इसके ट्रस्टी हैं और उनको यही सोचते हैं, क्योंकि जो हमारा मोटो है कि कभी भी कोई किसी को देने से कोई गरीब नहीं हो जाता, तो उसी के चलते हम लोग ये चीज़ करते हैं। हम लोग पिछली बार भी बांटते हैं, अंदाजन हम लोग रोज का 1500 से 2000 लोगों को खाना बांटते हैं। बीच बीच में जब हमारे पास राशन आता है तो हम राशन के किट्स बांटते हैं, कभी दूध बांट दिया बच्चों को, कभी बिस्किट्स बांट दिए, कुछ ना कुछ बांटते हैं, कभी स्टीमर बांटते हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है अलग अलग, तो कभी स्टीमर, तो कभी कुछ, जैसे जैसे जो जो चीज़ आती रहती है लोग बताते हैं वैसे वो चीज़ बांटते रहते हैं। ये आज सराय कालेखा में जमुना के पास का जो एरिया है, गैसपुर जो है, वहाँ पर किया है। इनफैक्ट खाली एक ये लोकेशन नहीं है, मेरे पास और भी लोकेशन है, करते करते अंदाजन 3 से 4 लोकेशन तो है ही मेरे पास जहाँ पे मैं करती हूँ। ये जस्ट सराय कालेगा, उसके अलावा मेरे पास 3 लोकेशन और भी हैं। जिसको ज़रूरत है उसको मदद करना, सिर्फ एक यही उद्देश्य है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी को देने से हम कोई गरीब नहीं हो जाता। अगर इस वक्त अगर हम साथ नहीं मिलकर खड़े होंगे तो फिर कभी भी नहीं हो सकते हम लोग, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिस टाइम पे आपको सबकी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यही सोच के हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। जो हमारे ट्रस्टी, उनका भी यही बोलना, यही मानना है, तो वो भी हमें इसी चीज़ के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो बस कहते हैं कि आप करते रहिए, हम सपोर्ट में खड़े हैं। नहीं, हमारा 2019 से लगातार हम खाना बांटते हैं। हमारी नेशनल एनजीओ किचन चलती है, जहाँ पे नॉर्मल दिनों में हम वैसे भी 500 से 600 लोगों को खाना बांटते ही थे, और जब से कोरोना महामारी है तो हम लोग ने अपनी रीच बढ़ा दी है। तो पहले तो बीच में तो 3000 लोग से ऊपर के लोगों को था, अब थोड़ा करते करते कभी 2000 है, कभी 1500 है, कभी 3000, कभी 2500, वो डिपेंड करता है कैसे कैसे हम लोग को लोकेशन होती है। अच्छा, ऐसी सर मार्केट में रहते हैं, घूमते हैं पब्लिक के अंदर, हमें भी लोकेशन पता है कि कहाँ कहाँ झुग्गियाँ हैं, कहाँ ज़रूरत है, तो पहले देखते हैं, ढूंढते हैं। फिर वहाँ के जो लोकल स्पॉक होते हैं, जैसे यहाँ का जो हमारे लोकल स्पॉक है वो है आली, तो उनसे कॉन्टैक्ट करा जाता है, फिर वो हम लोग को आगे की इंटीरियर्स की और जगह डिटेल्स बताते हैं। मैं भी यही बस कहना चाहूँगा कि लोगों की मदद जितनी से ज़्यादा हो सकती है, हम उतनी मदद करने के लिए आगे आते हैं। जितने भी स्लम्स एरिया हैं, छोटे बच्चे हैं, जहाँ तक बिल्कुल भी अनाज या खाने की चीज़ें कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है, वो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उन बच्चों तक पहुँचे जो इस चीज़ के लिए बिल्कुल नीडी हैं।
क्या संदेश आपकी तरफ से सरकार को और लोगों को? सरकार को, सरकार अपना काम कर रही है और सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द और हमारी जो एनजीओ है उसकी तरफ से जितना भी हो सकता है उतनी हम मदद पहुंचाएं। बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में काफी प्रयासों के बाद जलेसर रोड की फिरोजाबाद से लेकर आसन चौराहा, बजगांव चौराहा, रजौली चौराहा, जलेसर हाथरस, अलीगढ़ सड़क को चौड़ीकरण सौंदर्यकरण के लिए आखिर सुत ले ली। भाजपा नेता नगर विधायक मनीष असीजा ने जलेसर रोड के किलोमीटर 6 से किलोमीटर 26 तक का निर्माण कार्य प्रारंभ का भूमि पूजन किया। फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा व विधायक टुंडला प्रेमपाल धनगर द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। उक्त 20 किलोमीटर लंबे मार्ग निर्माण कार्य की लागत करीब 38 करोड़ से बनाई जाएगी। भूमि पूजन स्थान जलेसर रोड पंजगांव के पास किया गया। वहीं महानगर अध्यक्ष राकेश कुमार, सुनील शर्मा, सत्यवीर गुप्ता, धर्मेंद्र शर्मा, रविंद्र शर्मा, अरुण जैन, अश्विनी भारद्वाज, श्याम सिंह यादव, धीरज पार्शर, उदय ठाकुर, लकी शर्मा, काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अश्वमेघ काल मोदी ने पूजन कर छोड़ा, मनीष असीजा ने जा कर के घर घर मुहिम चलाई, मनीष असीजा ने जा कर के घर घर मुहिम चलाई और गरीब जनता की सुध लेकर उनकी भूख मिटाई। कि भूखा रहे कोई, भूखा कोई नहीं छोड़ा, भूखा कोई नहीं छोड़ा, और अश्वमेघ काल मोदी ने पूजन कर छोड़ा। ये मार्ग अगर ये सड़क जब चौड़ी हो जाएगी तो आने वाले समय में पूरे जनपद फिरोजाबाद से जलेसर, अलीगढ़, हाथरस को जोड़ने का ये मुख्य मार्ग होगा। लगभग 20 किलोमीटर का रास्ता इसमें बचेगा। इस क्षेत्र की असीमित प्रगति होगी, अभी हम सब लोग देख रहे हैं मात्र 4.25। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र के मोहल्ला कपिल नगर और मायापुरी के लोगों में आपस में कहा सुनी को लेकर मारपीट हो गई। एक तरफ वाल्मीकि समाज, वहीं दूसरी तरफ कोरी समाज के लोगों में जमकर ईंटों की बरसात की गई। पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के उत्पात मचाने वाले लोगों को मौके से फरार हो गए। इसी दौरान सनी कोरी की एक प्लांट में खड़ी कार को एक पक्ष ने निशाना बनाया और गाड़ी को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी मालिक ने बताया, वाल्मीकि समाज के किशन ने अपने लोगों के साथ मिलकर मेरी गाड़ी को तोड़ा है। वहीं मौके पर पहुंची डायल 100 ने जानकारी करते हुए गाड़ी मालिक सनी कोरी को थाने बुलाया। सनी नाम है, सनी और दीपक। सर कुछ नहीं, रात को गाड़ी खड़ी हुई थी मेरी उधर पार्किंग में, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, मैं चला गया अपने घर। तो सुबह एक और गाड़ी खड़ी, तो उन्होंने मुझे फोन करा कि तेरी गाड़ी फूटी हुई है। सर मैं देखने गया, तो जब मैंने देखा गाड़ी वहाँ फूटी हुई है, तो उन्होंने बोल, मैंने फोन करा 100 नंबर पे, तो वो लोग आगे देख के चले गए। कोई मामला नहीं था, ड्रिंक करे थे, गाड़ी लेकर आए थे, फोर व्हीलर। मैंने उनसे मना किया था कि भाई इतनी तेज मन चलाओ, यहाँ से ले जाओ। उन्होंने यहाँ खड़ी कर ली, बस इतनी बात थी और कोई बात नहीं थी। वो यहाँ से ले गए, बाद में आए वहाँ से करीब 15-20 लड़ गए। यहाँ पर गाड़ी क्लोज देने ले गई, मारपीट की, धमकी, फिर हमने मना करा, नहीं मांगे। फिर उसने हमारे साथ के लड़के में उसकी सर्जीट मार दी, चांद फाड़ दी थी उसको, फिर वो भाई के मार दिए गाड़ी वाले। फिर हम गए उनके पीछे भक्ति को पकड़ नहीं, फिर वहाँ से दोबारा आए रिटर्न में, पूरा मोहल्ला उनका आया था। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना शेखोहाबाद में चुनावी रंजिश में दो पक्षों की मारपीट, पथराव, फायरिंग से फैली दहशत, एक बाइक में भी लगाई आग। पुलिस ने 4 लोगों को किया हिरासत में। बड़ी तादाद में पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर थाना शेखोहाबाद के सोभनपुर गांव का मामला है। जब इस मामले में अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। अनवर सिंह, ये क्या मामला हुआ है? ये साहब जो है, हम तो जहाँ बुज्जी पे घुस डाल ले, तो यहाँ से भीड़ जो है आई और एक वो मतलब लड़का पप्पू नाम का, उसे पकड़ के अंदर ले गई। फिर मतलब चारों तरफ से भीड़ भाड़ हुई और मतलब फायरिंग वगैरह। बीसीएन न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के तुंडला में यात्रियों के आने जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है।
बहुत जल्द टुंडला विधायक द्वारा एक तोहफा मिलने वाला है। टुंडला चौराहा का भ्रमण कर लिया, जायजा पार्टी कार्यकर्ता भी रहे। साथ टुंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धननगर ने टुंडला चौराहे का निरीक्षण कर कहा कि आने जाने वाली सवारियों के लिए टुंडला चौराहे पर बैठने की व्यवस्था बहुत जल्द करने वाले है। जो यात्री एटा जाते हैं, आगरा की ओर जाते हैं, फिरोजाबाद की तरफ जाते हैं, उनको काफी देर तक बस के इंतजार में खड़ा होना पड़ता है। उसको संज्ञान में लेते हुए टुंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धननगर ने बोला कि यात्री खड़े खड़े होने से परेशान हो जाते हैं। यात्रियों व स्टूडेंट्स के लिए चौराहे पर रोड किनारे पर यात्रियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था की जाएगी। वहीं एटा रोड पर एक मुख्य द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। आगे किसी भी यात्री को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोविड-19 पर बोले कि हमारे जिले में किसी भी प्रकार की अब कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमने महामारी पर काफी नियंत्रण कर लिया है। पहले और अब के केस में काफी गिरावट भी हुई है। देखिए, मैंने देखा है यहाँ पर बहुत तादाद में खड़ी रहती है, ईटान से आने वाले भी, आगरा से आने वाले भी, फिरोजाबाद से भी आने वाले, और कई दूर दराज से रेलवे स्टेशन से उतरते हैं और यहाँ पर खड़े होते हैं, अपने वाहन की प्रतीक्षा करते हैं। तो मैंने ये सोचा बैठने के लिए यात्री सेट तैयार किया जाए, जिससे वो बैठ करके इंतज़ार करें या खड़े होकर के इंतज़ार करते हैं। मुझे चिंता हुई यात्रियों की। मेरे जनपद में कोविड को लेकर के बहुत गंभीरता से हैं सभी हमारे नोडल अधिकारी। मैं भी कल कोविड सेंटर पर बैठा तो मैंने वह कॉल सेंटर से देखा, मैंने भी रिसीव किए, तो फोन रिसीव होने के बाद मैंने देखा कि मेरी विधानसभा और अपने जनपद में से जो भी कॉल आता है, चाहे वो पॉजिटिव व्यक्ति हो, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, चाहे वो एम्बुलेंस की सुविधा के लिए कॉल करे, या होम आइसोलेशन में जो मेडिसिन किट होती है उसके लिए, तो सारे कॉल सेंटर पर लोग हमारे कर्मचारी वहाँ बैठे हुए हैं। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में कोरोना महामारी पर योगी सरकार हुई सख्त। हर बीमार के इलाज में जुटी प्रदेश के विधायक अपने क्षेत्र की व्यवस्था देखने के निर्देश। शिकोहाबाद भारतीय जनता पार्टी विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने शिकोहाबाद आइसोलेशन वार्ड का किया निरीक्षण, देखी व्यवस्था, ऑक्सीजन बेड, साफ सफाई व्यवस्था देखी, हर बीमार के इलाज के लिए दिए निर्देश। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज से 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोगों ने पत्र लिखा था, और उस पत्र में ये था कि शिकोहाबाद का जो संयुक्त अस्पताल है इसमें भी कोविड मरीजों का इलाज हो सके। इसके साथ ही जो FS कॉलेज है और जो दूसरा जो सुखेश्वरी यूनिवर्सिटी है, GH यूनिवर्सिटी, उसमें भी अस्पताल है, तो उसमें भी चिंता की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी महोदय को ये निर्देश दिया कि अतिशीघ्र शिकोहाबाद के संयुक्त चिकित्सालय सहित उन दोनों अस्पतालों में भी कोविड के मरीजों के लेटने का और ट्रीटमेंट का काम चालू किया तत्परता के साथ। BCN न्यूज के लिए फिरोजाबाद से ब्यूरो रिहान अली की रिपोर्ट। कोरोना काल में भी राशन की कालाबाजारी करने वाले अभी तक बाज नहीं आ रहे हैं। वह लगातार कोरोना काल में भी कालाबाजारी का कार्य दबंगई और जोरों से कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र में देखने को मिला, जहां मुकेश नामक व्यक्ति राशन के चावल की कालाबाजारी करने राशन का चावल ट्रक में भरकर सरकारी गोदाम से अपने निजी गोदाम ले जा रहा था। तभी रास्ते में खास मुखबिर की सूचना पर DSO विभाग के इंस्पेक्टर मोहन उपाध्याय ने ट्रक को रोक कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमे पता चला कि राशन की कालाबाजारी के लिए चावल ले जाया जा रहा है। वही इंस्पेक्टर के अन्य आला अधिकारियों को इस संदर्भ में सूचित किया और पूरी छानबीन कर कार्रवाई करना शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोगों के नाम संज्ञान में आए। वह लगातार काफी लंबे समय से इस तरह की कालाबाजारी कर रहे थे। फिलहाल आपूर्ति विभाग ने राशन के लिए जा रहे चावल को वही पास के ही राशन डीलर को सुपुर्द कर दिया और गाड़ी को थाने में दाखिल कर दिया है। देखने वाली बात होगी कि राशन माफियों को इस कार्रवाई से खौफ बैठता है या फिर इसी तरह यह लोग कालाबाजारी का खेल ऐसे ही खेलते रहेंगे। जी, मुखबिर खासदार दूरभाष पर सूचना दी गई, ये एक ऐसा ट्रक संख्या है, ट्रक है
जिसमें कुछ सरकारी खाद्यान्न गोवर्धन से भर के मथुरा जा रहा है, और अगर समय रहते इसको पकड़ लिया जाए तो सरकारी राशन की बरामदगी हो सकती है। उस सूचना पर मैं यहाँ पहुँचा और ट्रक को रुकवाया तथा ड्राइवर से पूछताछ की तथा उसके बयान लिए। बयान लेने के कार्रवाई के दौरान चूँकि पुलिस बल तत्कालीन समय मौजूद नहीं थी तो ड्राइवर मौका देख करके फरार हो गया, लेकिन उसके द्वारा जो बयान दिया गया है लिखित रूप में, वो बयान यह दिया गया कि मुकेश और आपके कोई मुकेश हैं, मुकेश मथुरा के निवासी हैं, मुकेश जवाहर बलराम पुत्र जवाहर और आपका क्या नाम है भगवत निवासी सकीतरा, इनके कहने पे किराए पर ट्रक लेके जा रहा था, उसको नहीं जानकारी थी कि इसमें सरकारी राशन का माल है। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आरएस बाली व उनके सभी कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली स्थित उत्तम नगर के पिंदापुर कार्यालय पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम महाराज की जयंती मनाई, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आरएस बाली, रविंद्र चौहान संगठन सचिव, जसबीर सिंह दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, नरेंद्र विष्ट दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, पुनीत दक्ष मीडिया प्रभारी, संजीव मीठा मंडल अध्यक्ष पश्चिम विहार, अश्विनी मोंगा, रंजीत चौहान संगठन प्रवक्ता व सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आरएस पाली ने दो लोगों को संगठन का पटका पहनाकर और नियुक्ति पत्र देकर सम्मान किया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए आरएस पाली ने कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की गुंडागर्दी और हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता, जिसके चलते हमने परशुराम जयंती पर पश्चिम बंगाल का साइकिल दौरा करने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए और सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए हमने व हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने ये संशोधन किया कि जब कोरोना महामारी कम हो जाएगी तब बंगाल का दौरा करेंगे और सभी हिंदुओं को जागरूक करने का काम करेंगे। ऐसे कि डासना तो जाना था जरूर, पर ये लॉकडाउन की वजह करके आगे रास्ते बंद है, तो इसलिए फिर हमने जो सरकार के जो गाइडलाइन है उसकी वजह से हम फिर नहीं जा सके वहाँ पे। उसकी भी यही वजह कोरोना की वजह से आगे कोई इंतजाम हो नहीं, क्यों जाके रहेंगे तो मंदिरों में कहीं या मठों में वो सारे बंद है, एंट्री बंद है, रहने की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए फिर वो आगे की क्या तैयारी आगे आगे जब लॉकडाउन खुलेगा जाएंगे जरूर। आज डेट कुछ नहीं करेंगे आप? अभी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब वहाँ डेट मिलेगा, जब खत्म हो तो तभी डेट हो ना। हमारी ये हिंदुओं को जागृत करने की है, आज अपने की जयंती है परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, तो हम तो उसी लाइन पे चल रहे हैं। जैसे अपने आज से उस जमाने में जब जो जिहादी थे परशुराम जी ने 21 बार धरती से खाली किए थे, हमारी तो उसी लाइन पे चलेंगे अब हम। बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित गांव मत्सराय के गांव में रहने वाले पप्पू नामक व्यक्ति ने अपने ही पड़ोसियों पर अपनी पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया है और थाना गोवर्धन में तहरीर देकर गोवर्धन पुलिस ने अपनी लड़की की बरामदगी की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक 16 वर्षीय किशोर जो कि गांव मलशराय की रहने वाली, जिसका अपहरण उसके पिता के द्वारा लगाए आरोपों के अनुसार राहुल नामक युवक पर लगाए गए है, जो कि वृंदावन कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गांव मोरे का रहने वाला है, जिसकी बहन गांव मलशराय में रहती है, जिसके चलते उसका गाँव में आना जाना लगा रहता है। लड़की के पिता पप्पू उर्फ करण सिंह के द्वारा बताया गया कि उसके पड़ोसी नंदकिशोर कन्हैया एवं उनकी पत्नी लक्ष्मीकांती समेत कन्हैया की नाबालिग पुत्री और राहुल की अज्ञात दोस्त पर अपनी लड़की के अपहरण का आरोप लगाया गया है। गोवर्धन पुलिस के द्वारा मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए गोवर्धन थाना अध्यक्ष रविन्द्र बाबू के द्वारा मौके पर जाकर मौका मुआयना करते हुए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस की तीन टीमें बनाकर लड़की की खोजबीन में लगी है। पप्पू नगला मलसरा, क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना हुई? मेरी लड़की मतलब अपहरण किया है, एक नंद किशोर और सरोप मंगला, कन्हैया सरोप मंगला, इनका साला था मोरी का लड़का राहुल है उसका नाम। बीसीएन न्यूज के लिए मथुरा से अजय ठाकुर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। नेमावर क्षेत्र में नर्मदा नदी में शव के जल दाग लेने पर पुलिस ने सख्ती कर दी है। अन्य राज्यों में शवों को पानी में बहाने के मामले सामने आने के बाद
पुलिस नीमावर क्षेत्र में नर्मदा नदी के आसपास विशेष ध्यान रख रही है। कोरोना या अन्य बीमारी से मौत के बाद शवों को लोग नदी में नहीं बहाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस बल घाट सहित आसपास के क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी खुद भी इसे लेकर सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हरदा जिले की सीमा से लगे होने के कारण भी चौकसी बढ़ा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस की टीम कोरोना गाइड का पालन करने के लिए पेट्रोलिंग कर रही है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत के मुताबिक घाट क्षेत्र में पर्याप्त बल लगा हुआ है। बीट अधिकारियों को भी ड्यूटी लगी हुई है। महामारी बहुत विकराल रूप ले चुकी थी, अभी भी उसके मरीज पहले की तुलना में कम जरूर हुए हैं, लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हो रही है वो कोविड पॉजिटिव होने पर इंदौर में देवास में कोविड गाइडलाइन के अनुसार उनका अंतिम संस्कार निर्धारित टीम कर रही है। हमारे यहाँ पे भी जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, उनका भी कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार ही विभिन्न मुक्ति धामों में अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। जहाँ तक बात है कि नर्मदा नदी में किसी ने शव को फेंका, उसका कोई वीडियो वायरल हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो और कहीं का हो सकता है। हमारे यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में दाह संस्कार हो रहे हैं, नर्मदा जी के किनारे भी हो रहे हैं, लेकिन हमने ग्राम पंचायतों के माध्यम से, नगर पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था की है कि यदि कोई शव थोड़ा बहुत भी अधजला रह जाता है तो वहाँ पर ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय उस शव को पूरी तरह से जला कर उसका अस्थि संचय करने के लिए परिजनों को उपलब्ध कराता है। इसलिए शव को, संक्रमित शव को नदियों में बहाने का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया। थाना नेमावर क्षेत्र में नर्मदा नदी के घाट के किनारे पर्याप्त बल लगा होता है। थाना प्रभारी और अन्य बीट अधिकारी लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखते हैं। एसडीओपी भी समय समय पर घाटों पर नजर रखते हैं। मैं स्वयं थाना जाता हूं और नर्मदा नदी के घाटों का भ्रमण करता हूं, और कोरोना गाइडलाइन का हम पूरी तरह पालन कराते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कराया जाता है और सभी तरह की स्थिति पर हम लगातार नजर रखे हुए रखते हैं। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से अरुण उइके की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यू ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।